अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे सहयोगी आदिल खान ने ये वीडियो भेजा है जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का कितना बुरा असर मुल्क के गरीबों पर पड़ रहा है। इन 10 लोगों के परिवार में 3 मासूम बच्चे भी हैं जो 2 दिनों से भूखे हैं। किसी रहीम दिल शख्स ने इन पर रहीम खाकर इन्हें थोड़े से कच्चे चावल दिए हैं जिन्हें ये लोग पका रहे हैं। बता दें कि ये लोग मुमरा की रोजरी कॉन्वेंट स्कूल के पास सड़क के किनारे ही रहते हैं और लोहे के घरेलू औजार बनाकर अपना गुजारा करते हैं। लॉकडाउन ने इनकी रोजी रोटी बंद कर दी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इनको अभी तक कोई भी एनजीओ ने सपोर्ट नहीं किया, कोई भी जैसा कि कोई भी नगर सेवक, कोई भी जैसा कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। और इनका जो खाना जो चल रहा है, जैसे चावल पक रहे हैं इधर पे लकड़ी पे, ये भी इन्होंने किसी ने इनको दिया है ला करके तो पक रहा है खाना, नहीं तो अभी तक इनका जो है खाना नहीं पक रहा था। बच्चे भूखे हैं, इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे खड़े हैं शंकर मंदिर रोड पर, और यहाँ पर कुछ बेचारे गरीब लोग बैठे हुए हैं जिनको खाना अभी तक नहीं मिला। एनजीओ जो है यहाँ पर नहीं पहुँची है अभी तक का, और यहाँ पे जो है बच्चे भी भूखे बैठे हुए हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपको खाना कब से नहीं मिला? जब से चालू है वायरस, जब से लॉकडाउन चालू है उससे खाना नहीं मिला आपको। और कोई मदद करने आया कि नहीं आया आपकी? कोई नहीं आया मदद करने। तो आप लोग का खाना पानी कहाँ से चल रहा है? कोई देते वही खा लेते क्या। अच्छा, तो ये चूल्हा जो जल रहा है आपके इधर, वो चावल अंकल ने किया है? अच्छा, चावल अंकल ने, यानी दूसरे लोग ने, यानी आप लोग को जो है सपोर्ट करा जा रहा है। और कोई भी एनजीओ जो यहाँ पर नहीं आ रहा है खाना वगैरह देने? आप उनके लोग बाजू वाले से दुकान है ना, लोग ने दिया हमको अभी खाने के लिए। अच्छा, मुमरा के कई एनजीओज, पत्रकार और नेता दिन रात ऐसे लोगों की मदद के लिए जुटे हैं। नजर इंडिया न्यूज की टीम भी इस नेक काम में उनका साथ दे रही है। हम आवाम से अपील करते हैं कि इन लोगों की मदद करें, अपना सहयोग देने के लिए हमसे राबता करें ताकि हम आपके माध्यम से उन सभी लोगों की मदद कर सकें जो इस तरह की परेशानियों का शिकार हैं। शुक्रिया।